Good morning, class of the students. I am your science teacher, Ms. Pritisha. Today, I am going to explain your next chapter in science, that chapter 13, the Earth and the Solar System. I hope that all students have completed their previous chapter. Now, today we will talk about the Earth and the Solar System, that chapter 13. Earth is a third planet in our solar system. It is the only planet which have life. अर्थ हमारी सोलर सिस्टम का जो है थर्ड प्लैनेट है. सो एज यू नो दैट इन अवर सोलर सिस्टम हैव एट प्लैनेट, और उस एट प्लैनेट में से जो अर्थ है वो थर्ड प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का. एंड इट इज द ओनली प्लैनेट विच हैव लाइफ. सिर्फ एक यही ऐसा प्लैनेट है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. व्हेन द अर्थ वॉज फॉर्मेड, अर्थ कब फॉर्मेड हुई थी? व्हेन द अर्थ वॉज फॉर्मेड इट वॉज द ह्यूज बोल ऑफ डस्ट एंड हॉट गैसेस दैट कैप स्पिनिंग. इसके बाद जब हमारा अर्थ बना था, जब ये फॉर्मेट हुआ था, तो ये कैसा था? एक बहुत बड़ा गोला था, ठीक है, हॉट गैसेस का. बहुत हॉट गैसेस थी यहाँ पे, और जब धीरे धीरे द गैसेस स्लोली कूल डाउन एंड द अर्थ ग्रेजुअली सॉलिफाइड, इसके बाद धीरे धीरे जो है अर्थ जो है शांत हुआ, ठंडा हुआ, और इसके बाद एक सॉलिड पार्ट के रूप में हमें अर्थ मिला, ठीक है. वी हैव वास्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर ऑन अवर प्लैनेट एंड वी हैव ऑक्सीजन टू ब्रीथ. There is a blanket air of air around the earth called atmosphere. हमारे अर्थ पे जो है क्या क्या चीजें, देखिए, the vast quantity of the water. हमारे अर्थ पे जो है बहुत ज्यादा quantity में water है. Okay, and we have oxygen to breathe. Oxygen है हमारी सांस लेने के लिए, breathing के लिए. And there is a blanket of air around the earth called atmosphere. और हमारे चारों तरफ air की एक ऐसी blanket है जिसको हम एटमोसफेयर कहते हैं, और एटमोसफेयर कहते हैं विच हेल्प एटमोसफेयर हेल्प्स टू ट्रैप द सन्स हीट. द ओजोन लेयर दिस इज इन द अर्थ एटमोसफेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन. और ये जो अर्थ पे हमारे एटमोसफेयर की लेयर है, ये क्या करता है, अर्थ जो है, अर्थ पे जो लेयर है एटमोसफेयर की, ये हमें सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है, जो हार्मफुल किरणें आती हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट रखते हैं. Now I'm going to tell you about few factors about the earth, okay? So these things are help us to exist our life on the earth. So the first is the earth receives just enough light and heat energy from the sun which is suitable to the survival of human organism. Okay, जो earth है हमारा वो sun से, okay? Sun से जो है उतनी ही मात्रा में light, heat लेता है जितनी हमें अपनी लाइफ जीने के लिए सुटेबल है, और हमारे सर्वाइवल के लिए, लिविंग ऑर्गेनाइज्म के सर्वाइवल के लिए इनफ है. द टेम्परेचर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज नाइदर टू हॉट और नॉर टू कोल्ड. जो टेम्परेचर है हमारे अर्थ का, अर्थ की सर्फेस का, वो बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं है और बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं है. ऑक्सीजन एंड वाटर आर प्रेजेंट ऑन अवर प्लैनेट विच आर इनिशियल टू सस्टेन्स लाइफ. हमारे अर्थ पे जो वाटर है, ऑक्सीजन है, ये प्रेजेंट है. ये एक ऐसा प्लैनेट है जहां पे हमारी लाइफ को सस्टेंस करने वाली सारी ही इनिशियल चीजें मौजूद हैं, ओके. एंड द लास्ट, एज यू नो दैट, एज आई हैव टोल्ड यू, अ ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर सराउंड्स द अर्थ विच हेल्प्स टू ट्रैप द सन हीट. ओके, हमारे जो अर्थ पे ब्लैंकेट है एटमॉस्फेयर की, वो हमारे अर्थ को, ह्यूमन बीइंग को, लिविंग ऑर्गेनाइज्म को, सारे लिविंग ऑर्गेनाइज्म को प्रोटेक्ट करती है सन की रोशनी से. सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, जो हार्मफुल किरणें आती हैं, उनसे प्रोटेक्ट करके रखती है. नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. सो स्टूडेंट, दिस इज द पिक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. यू ऑल्सो हैव टू मेक दिस पिक्चर इन योर नोटबुक. यू हैव टू मेक अ स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. नाउ हियर आर द थ्री थिंग्स: क्रस्ट, मेटल, आउटर कोर एंड इनर कोर. नाउ वन बाय वन वी विल टॉक अबाउट दिस. सो द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, ओके, द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट. जो अर्थ की सबसे पहली लेयर होती है उसको हम कहते हैं क्रस्ट. इट इज द थिन लेयर ऑफ मोस्टली सॉलिड रॉक. ये जो है बहुत थिन लेयर है, और बहुत थिन लेयर है, और ये जो है बिल्कुल सॉलिड रॉक्स है इस पे, ठीक है. आपने देखा होगा कि हम इसके फर्स्ट वाले पार्ट पे ही रहते हैं. क्यों? क्योंकि ये पार्ट जो है सॉलिड है, सॉलिड रॉक से बना हुआ है. इट इंक्लूड द सॉइल, इसमें सॉइल भी इंक्लूड होती है, ओके. द मेटल लेस बिलो द मोस्ट बिलो द क्रस्ट एंड मेड अप ऑफ वेरी हॉट रॉक. जो मेटल है वो बहुत हॉट रॉक से बना हुआ है, ओके, और ये हमेशा क्रस्ट के नीचे आता है. क्रस्ट के नीचे कौन सी लेयर होती है? सेकेंड लेयर अर्थ की, मेटल. मेटल जो है
क्रस्ट की सेकेंड लेयर होती है, इट्स बिलो द क्रस्ट एंड मेड अप ऑफ वेरी हॉट रॉक, जो बहुत हॉट रॉक से बना हुआ है. समटाइम्स दिस हॉट लिक्विड ओजोस आउट फ्रॉम द क्रैक्स. कभी कभी ऐसा देखा होगा आपने कि ये जो हॉट लिक्विड है, हॉट लिक्विड इसके अंदर है, और ये कभी कभी जब कभी क्रैक्स आता है अर्थ पे तो वहां से निकलने की कोशिश करते हैं. ओके, दिस इज कॉल्ड वेल्केनो. आपने वेल्केनो का नाम सुना होगा. एंड हॉटर मेटल रॉक इज कॉल्ड लावा. और जिसके अंदर से निकलता है क्रैक्स वगैरह से, कभी जब बहुत ज्यादा अंदर हलचल होती है, ठीक है, अर्थ के अंदर, तो वहां से जो जब भी कोई क्रस्ट की लेयर फटती है और वहां से जो है ये मेटल बाहर आता है, ठीक है. और ये एक जो है लिक्विड फॉर्म में आग जो होती है, ये बहुत हॉट जो है, जिसे हम लावा कहते हैं, वोल्केनो कहते हैं. बिलो द मेटल लेयर्स द कोर. मेटल के बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है वो कोर की लेयर होती है. कोर में आउटर कोर और इनर कोर दो लेयर होती है. इट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ. ये हमारे अर्थ का इनर मोस्ट पार्ट है. द इनर कोर इज अ सॉलिड. जो इनर कोर है वो सॉलिड होता है, ठीक है. वाइल द आउटर कोर इज अ लिक्विड स्टेट. जो आउटर कोर है वो लिक्विड स्टेट में होगा, लेकिन जो इनर कोर है ओके वो किस स्टेट में होगा, वो सॉलिड स्टेट में होगा. अंडरस्टूड स्ट्रेंस. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द मूवमेंट ऑफ द अर्थ. सो अवर अर्थ शोज टू टाइप ऑफ मूवमेंट. द अर्थ शोज टू काइंड ऑफ मूवमेंट, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. सो एज यू नो दैट अवर अर्थ शोज टू टाइप ऑफ मूवमेंट, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. सो वॉट इज दैट रोटेशन? द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. जब हमारी अर्थ एक स्पिनिंग, एक लट्टू की तरह, आपने स्पिनिंग देखी होंगी, आप उसे घुमाते हैं तो वो कैसे जो है ऐसे करके रोटेट करता है. तो स्पिनिंग मूवमेंट जो होता है अर्थ का, उसे हम कहते हैं रोटेशन. रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉज डे एंड नाइट. रोटेशन डे और नाइट कॉज करते हैं. तो स्पिनिंग मूवमेंट, जैसे सपोज दैट ये पेन है, मैं इसको ऐसे घुमा रही हूं, ठीक है, तो ऐसे घूमना ओके इसे हम कहते हैं रोटेशन. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो अर्थ जब रोटेट करती है तो क्या कॉज होता है? डे और नाइट कॉज होता है. आई एम गोइंग टू शो यू द पिक्चर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट. सो स्टूडेंट, दिस इज द पिक्चर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट. ओके, द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉज डे एंड नाइट. इट इज डे टाइम वेन द साइड ऑफ द अर्थ इज फेसिंग द सन. ओके, इस टाइम डे टाइम जब तब होता है जब अर्थ का जो है, जो अर्थ का जो सामने फ्रंट वाला फेस होता है या फ्रंट वाला हिस्सा होता है, वो सन के सामने होता है. ओके, और इस डे एंड नाइट कॉज के लिए हमारी अर्थ कितना टाइम लेती है? 24 आवर्स लेती है. तो 24 आवर्स में हमारी अर्थ जो है एक रोटेशन कंप्लीट करती है, और जो पार्ट जो है सन के सामने आता है ओके, उस पार्ट में डे होती है, जो अनदर पार्ट होता है उसमें नाइट होती है. जो सन की रोशनी फेस नहीं करता उसमें नाइट होती है. ओके, दिस पिक्चर ऑल्सो यू हैव टू मेक इन योर नोटबुक. नाउ द अर्थ्स नेक्स्ट मूवमेंट इज रिवोल्यूशन. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉज सीजन. ओके, जो नेक्स्ट मूवमेंट होती है अर्थ की वो रिवोल्यूशन होता है. रिवोल्यूशन का मतलब क्या है? कि रिवोल्यूशन जब होगा तो अर्थ पे सीजन्स कॉज होंगे. तो आपने सुने है ना कि आपके 4 मेन सीजन होते हैं, स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, ऑटम सीजन, विंटर सीजन. सो दीज आर द 4 मेन सीजन दैट कॉज्ड बाय रिवोल्यूशन. तो ये कैसे होते हैं? रिवोल्यूशन के थ्रू होता है. रिवोल्यूशन में क्या होता है कि हमारी अर्थ, सो स्टूडेंट नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द पिक्चर ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. तो कैसे होता है रोटेशन, देखिए. व्हेन अवर अर्थ शोज स्पिनिंग मूवमेंट, जब हमारी अर्थ स्पिनिंग मूवमेंट करती है, ये एक स्पिन है और ये स्पिन आपको पता है कैसे घूमता है. तो जब हमारी अर्थ भी बिल्कुल इस स्पिन की तरह ही रोटेट करती है ओके, बट इट्स रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है अपने एग्जिस्ट पोल पे. ओके, द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एग्जिस्ट कॉल्ड रोटेशन. ये अपने एग्जिस्ट पे ही रोटेट करती है. द अर्थ टेक्स 24 आवर्स वन डे टू कम्प्लीट वन रोटेशन. और हमारी अर्थ जो है 24 आवर्स लेती है एक रोटेशन कंप्लीट करने में, ठीक है. 24 आवर्स लगते हैं एक रोटेशन कंप्लीट करने में. और उस रोटेशन, ड्यूरिंग द रोटेशन, जो पार्ट अर्थ का सन के सामने आता है वहां पे डे होता है, और जो पार्ट बैक में होता है वहां पे नाइट होता है. जहां पे सन की जो है किरणें नहीं पहुंच पाती, सन की लाइट नहीं पहुंच पाती, वहां पे नाइट हो जाता है. और जो पार्ट सन के को फेस करता है उस पार्ट में डे हो जाता है. ओके, सो दैट मूवमेंट कॉल्ड रोटेशन, एंड रोटेशन कॉज डे एंड नाइट. और ये मूवमेंट वेस्ट टू ईस्ट होती है. ओके, द अर्थ स्पिन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट.
ऑल द एग्जिस्टेंस इमेजिनरी लाइन. ओके, ये एग्जिस्ट जो है एक इमेजिनरी लाइन है. इट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. और ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे जो है पास किया जाता है. एग्जिस्ट इज साइलेंटली टिल्टेड. और जो एग्जिस्ट है थोड़ा सा टिल्टेड होता है और इसी टिल्टेड मैनर पे हमारी अर्थ जो है रोटेट करती है. नाउ व्हाट इज दैट रोटेशन रिवोल्यूशन. रिवोल्यूशन क्या है? अर्थ ऐसी ही सिमिलरली अर्थ शोस सेकेंड मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. रिवोल्यूशन क्यों होता है? रिवोल्यूशन जब होता है तो इससे सीजन्स कॉस्ट होते हैं. तो कैसे होगा? सपोज दैट ये अर्थ है और इसको आप मान लीजिए यहाँ पे सन है. ओके, यहाँ पे सन है और हेयर अर्थ. और ये अर्थ जब ऐसे जो है रोटेशन के साथ साथ ये रिवोल्यूशन भी करती है, मतलब अपनी जगह पे तो घूमती है, अपनी धुरी पे तो घूमती है, साथ ही साथ जो है रिवॉल्व भी करती है. तो रिवॉल्व करते हुए जब ये धीरे धीरे सन के जो है चारों तरफ रिवॉल्व करती है. ओके, सन के जब चारों तरफ रिवॉल्व करती है तो क्या होगा कि जब जो पार्ट जो है सन के बहुत क्लोज होगा, जब धीरे धीरे अर्थ रिवॉल्व करती हुई रोटेट भी करेगी, रिवॉल्व भी करेगी और रिवॉल्व करके सन के थोड़ा क्लोज जाएगी, जब क्लोज होती है तो वहां पे समर सीजन हो जाता है. ठीक है, उस टाइम पे समर सीजन होता है. धीरे धीरे जो है जब इस साइड पे आएगी, थोड़ा सा दूर होगी तो स्प्रिंग सीजन हो जाएगा. ओके, आफ्टर दैट जब थोड़ा और जो है सन से जो है थोड़ा और दूर होगी, ओके, तो ऑटम सीजन होगा. और जब थोड़ा यहाँ पे आने के बाद लास्ट आपका दिसंबर जनवरी के टाइम पे जब सन से अर्थ की दूरी बहुत थोड़ी दूर हो जाएगी तो वहां तब जो है अर्थ पे कौन सा सीजन कॉस्ट हो रहा होगा? विंटर सीजन. ओके, तो ऐसे ही अर्थ जो है रोटेशन के साथ साथ रिवोल्यूशन भी शो करती है और वो रिवोल्यूशन जो है सीजन कॉस्ट करता है हमारे अर्थ पे. जैसे रोटेशन डे और नाइट फॉर्मेट करता है, ऐसे ही रिवोल्यूशन सीजन्स कॉस्ट करते हैं. आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड द मूवमेंट ऑफ द अर्थ. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सोलर सिस्टम. सो व्हाट इज दैट सोलर सिस्टम? द सन एंड द सेलेस्टियल बॉडीज दैट ऑर्बिट इट फ्रॉम द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम में सन है, सारे प्लैनेट्स हैं और जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो जो है सब मिला के सोलर सिस्टम बनाते हैं. द सन इज सेंट्रल ऑफ द सोलर सिस्टम. जो सन है वो सोलर सिस्टम के सेंट्रल में होता है. ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन फिक्स पाथ दैट कॉल्ड ऑर्बिट. और सारे ही प्लैनेट्स अपने फिक्स पाथ में, अपने ऑर्बिट में ही जो है सन को रिवॉल्व करते हैं. जैसे अभी आपको अर्थ का रिवोल्यूशन दिखाया, ऐसे ही सारे प्लैनेट्स जो हमारे 8 प्लैनेट है सोलर सिस्टम के, सभी सन को रिवॉल्व करते हैं. द सोलर सिस्टम कंसिस्ट द 8 प्लैनेट. सोलर सिस्टम 8 प्लैनेट को कंसिस्ट करता है. और वो 8 प्लैनेट कौन कौन से? आप सीक्वेंस वाइज वी कैन सी मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. सो दीज आर द 8 प्लैनेट और सीक्वेंस वाइज ये दिए हुए हैं वन बाय वन. सो यू हैव टू लर्न दीज नेम. ओके, और नाउ आई एम गोइंग टू शो द पिक्चर ऑफ सोलर सिस्टम. सो स्टूडेंट, दिस इज द पिक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम. ओके, और ये देखिए आपका ये सन है, ये हमारा सन है. सन के बाद जो हमारा फर्स्ट प्लैनेट आता है वो होता है मरकरी, नेक्स्ट वीनस, थर्ड वन प्लैनेट इज कॉल्ड अर्थ, फोर्थ वन प्लैनेट इज कॉल्ड मार्स. ओके, एंड देन फिफ्थ वन प्लैनेट इज कॉल्ड जुपिटर, सिक्स्थ वन कॉल्ड सैटर्न, सेवेंथ वन कॉल्ड यूरेनस एंड द लास्ट वन कॉल्ड नेपच्यून. सो दीज आर द प्लैनेट्स ओके इन अवर सोलर सिस्टम जो अपने ऑर्बिट में है. ये क्या है? ये जो लाइन डॉट डॉट की लाइन जो बनी हुई है, ये क्या है? ये इन प्लैनेट्स का ऑर्बिट है. और ये ऐसे ही ये प्लैनेट जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं. अर्थ क्या करता है? अर्थ रोटेशन भी शो करता है, अपनी स्पिनिंग मूवमेंट, अपनी स्पिनिंग जो है अपनी ही एग्जिस्ट पे रोटेट भी करता है और सन के जो है चारों तरफ चक्कर भी लगाता है. इसको कहते हैं रिवोल्यूशन और रोटेशन. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द सोलर सिस्टम. Now the next topic is sun. Sun, a huge ball of fire which gives out heat and light. Sun क्या है? एक बहुत बड़ा गोला है फायर का जो हमें लाइट और हीट देता है. Satellites क्या होते हैं? Satellites are the object that revolve around the planet in fixed orbit. Satellites क्या होते हैं? Satellites भी जो है planets को, ठीक है, ये क्या करते हैं? अपने fixed orbit में सारे ही planets को revolve करते हैं और इनसे जो है जो जानकारियां हैं, ओके, चाहे वो मौसम से रिलेटेड हो, कोई चीज होने वाली हो उससे रिलेटेड हो, तो ये सारी ही जो है जानकारियां ये हमारे अर्थ पे भेजते हैं. कौन? सैटेलाइट्स. सो स्टूडेंट, दिस इज द चैप्टर द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम. आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. यू हैव टू वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंड डू योर नोटबुक वर्क्स. सो थैंक यू सो मच.